एचपी की मशीन है, 640G4, 8GB रैम मिलेगी आपको और 256 SSD M2 E5470 जी, 8GB DDR4, 128 M2 SSD i5 सेकेंड जनरेशन जी, 4GB रैम है, 320GB हार्ड है, 1GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें। ये देखें, ये HP की मशीन है, i3 फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसके प्राइस जो है वो आपको पड़ेंगे 16,000 रुपये, 15.5 इंच का डिस्प्ले, ये आपको पड़ेगा 15,500 रुपये का, 15,500 रुपये का, ठीक है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स समझा भाई अगर आए तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट, इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट देंगे, आपको खुद कमेंट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये पेंटियम की फर्स्ट जनरेशन है, अच्छा, 4GB 320GB ग्लॉसी बॉडी में, अच्छा, तोशिबा की मशीन है ये आपको, जी जी, ये भी लैपटॉप है, ये सेलरॉन की मशीन है, ठीक है, सेलरॉन की थर्ड जनरेशन जिसे कहते हैं हम वो है, इसमें 8GB बिल्टन है, 320GB हार्ड है, अच्छा, ये और इसके प्राइस बता दें, ये भी आपको 8,000 रुपये की पड़ेगी, 8,000 रुपये की, ये हो गई एचपी की मशीन है, क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके प्राइस क्या, ये आपको पड़ेगी 7,000 रुपये, 7,000 रुपये की, बस ये 216 ही है, अच्छा, ये टच भी है, टाइप भी है, ये आपको बेसिकली पड़ेगी 14,000 रुपये की, 14,000 रुपये की जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को लैपटॉप के गोदाम में लेकर आया, ये शॉप है बेसिकली, लेकिन इतने सारे लैपटॉप यहाँ पे मौजूद है, आप इसको गोदाम भी कह सकते हैं। तरह तरह के यहाँ पे वैरायटी, तरह तरह की कंपनी के यहाँ पे लैपटॉप मौजूद है, जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं क्रोमबुक भी यहाँ पे मौजूद है और लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पे बेशुमार हैं, बेशुमार है। 15,000 से स्टार्ट है इनके रेंज और तकरीबन 1,00,000 तक यहाँ पे लैपटॉप, 1,00,000 रुपये के लैपटॉप आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, और अच्छा, हमारे साथ हमजा भाई मौजूद है जो इस शॉप के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या रहा है? हमजा भाई माशाल्लाह से आपके पास तो यहाँ पे वैरायटी वैरायटी है लैपटॉप वगैरह के, ज़रा हमें बताएं कि इसके स्पेसिफिकेशन और क्या क्या और क्या कौन कौन से कंपनी के लैपटॉप हैं और प्राइस कहाँ से स्टार्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास बेसिकली क्रोमबुक भी हैं, सेलरॉन में भी हैं, पेंटियम की भी हैं, जनरेशन वाइज भी हैं। कंपनी के पूछेंगे आप तो डेल, HP, फिजिक्सो, तोशिबा, एसर, एसुस, बायस्पीड, MSI सारी मिल जाएंगी। क्रोमबुक भी है, क्रोमबुक के जो प्राइस जो स्टार्ट हैं वो बेसिकली 7,000 रुपये से लेकर हैं, वो तकरीबन 15,000 तक की क्रोमबुक मेरे पास मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आए मेरे साथ ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये क्रोमबुक HP G4 है, अच्छा, ये आपको 8GB 16GB के साथ है, सही है, इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह सपोर्टेबल है, अच्छा। या आप जो स्टोरेज बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज कम होती है, बेसिकली इंटरनेट वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑफिस वाले, ऑनलाइन क्लासेस वाले, सही। तो ये उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और बिल्टन प्रोसेसर होता है, अच्छा। ये नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ी सी अच्छी स्पीड होती है, क्योंकि बिल्टन होता है, ये क्रोम पे ज़्यादा काम करने वाले लेते हैं, जो ऑफिस वाले हो गए, स्कूल वाले हो गए, स्टडी वाले, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेस्ट है। तो ये HP की मशीन है, क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं आप, HP की मशीन है। विंडो कौन सा है इनमें? क्रोम होती है, कुछ क्रोम में मैंने सुना है कि विंडो भी करते होती है, पर मसला कर जाती है उनमें कभी कोई साउंड का, कभी कोई माउस का, तो इसलिए बेसिकली जेन्युइन बनी है वो उसके लिए, क्रोम के लिए, ठीक है। और इसके प्राइस क्या? ये आपको पड़ेगी 7,000 रुपये, 7,000 रुपये की वर्ष ये क्रोमबुक आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा दिखा रहे हैं? ये देखें, ये भी क्रोमबुक है, अच्छा, ये भी क्रोमबुक है। ये देखें, ये एसर की है, इसमें NVIDIA का कार्ड लगा हुआ अपना, ठीक है, 1080 रेजोल्यूशन है, टच एंड टाइप है, ये क्रोमबुक है जी, ये पर विदाउट प्ले स्टोर है, ठीक है, इसमें आप कार्ड भी लगा सकते हो, 216 है ये, अच्छा, ये टच भी है, टाइप भी है, ये आपको बेसिकली पड़ेगी 14,000 रुपये की, 14,000 रुपये की जी, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए 14,000 रुपये की। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन और तस्वीरें वगैरह भी, और जो डील होगा वो आप भाई से कर सकते हैं आराम। ये N23 है, N23 4GB 16GB के साथ है, प्ले स्टोर है, ठीक है। ये बेसिकली ये देखें, रोटेट कैमरा भी इसका रोटेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल लोअल प्राइस होते हैं इनके, ये 8,000 रुपये की आपको पड़ेगी, 8,000 रुपये। ये देखें, ये HP में, अच्छा, ये C2 है, ये 2GB 16GB है, ठीक है, और इसकी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ जब ये ऑन होता है तो लाइट वगैरह जल जाती है इधर, बेसिकली HP की मशीन है, फुल ग्लोसी बॉडी जैसे कहते हैं ना हम, ठीक है, खूबसूरत ये। और इसके प्राइस बता दें, ये भी आपको 8,000 रुपये की पड़ेगी, 8,000 रुपये की। ये हो गई है, ये क्रोमबुक था, ये भी क्रोमबुक अभी चल रहे हैं, अगर लोयल प्राइस में ये देखें, ये लैपटॉप में, जी जी, ये भी लैपटॉप है, ये सेलरॉन की मशीन है, ठीक है, सेलरॉन की थर्ड जनरेशन जिसे कहते हैं हम वो है, इसमें 8GB बिल्टन है, 320GB हार्ड है, अच्छा जी,
ये MS है ये, ठीक है। ये क्वालिटी ज़रा चेक करें, ज़रा ये देखें बस, बेहतरीन बेहतरीन। ये देखिए ठीक है, और इसके प्राइस बता दें। ये आपको पड़ेगी 22,000 रुपये की, 22,000 रुपये की। 8 GB बिल्टन रैम है इसमें। अच्छा अच्छा, इसकी बैटरी टाइमिंग बता दें। बैटरी की वैसे वारंटी जो हमारी होती है ना, 1 घंटे प्लस वारंटी होती है। अच्छा, पर ये इनकी ये बैटरी के ऊपर होता है कि आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो या बेसिकली कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये वैसे ही ये चलती है 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। ये देखें, ये पेंटियम की फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा, 4 GB 320 GB ग्लॉसी बॉडी में। अच्छा, तोशिबा की मशीन है ये आपको, ये देखें, ये पेंटियम की मशीन है, ये देखें। और बैटरी टाइमिंग बता दें। 1 घंटा की वारंटी होती है हमारी बेसिकली, पर ये है कि आपको तकरीबन 2 घंटे आराम से चलता है ये लैपटॉप। ठीक है, और प्राइस एक मरतब ये आपको पड़ेगा 15,500 रुपये का। 15,500 रुपये का, ठीक है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स हमदा भाई अगर आए तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट देंगे। ठीक, आपको खुद कमेंट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। ये सेलरॉन की फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा, ग्लॉसी बॉडी है, 15.5 इंच का डिस्प्ले। हाँ, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या? इसकी 4 GB रैम होगी, 320 GB हार्ड होगी। ठीक है, ये भी आपको 15,500 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी डिस्काउंट वगैरह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बाकी अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जो थोड़े से अच्छे लोग भी मतलब जो बजट वाइज आते हैं। हाँ, ये i3 3rd जनरेशन है। ठीक है, 4 GB रैम होगी, अभी बेसिकली 2 GB लगी हुई है इसमें। आपको 4 GB रैम के साथ मिलेगा, 320 GB हार्ड के साथ मिलेगा। तोशिबा की मशीन है, i3 3rd जनरेशन। ठीक है, ये देखें कंडीशन ज़रा चेक करें। कंडीशन आपको आया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिलेगी। और मतलब प्राइस बता दें इसके? इसका आपको पड़ेगा सर ये 22,000 रुपये की, i3 3rd जनरेशन। 22,000 रुपये की जी। ठीक है, ये मिल जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा अगर और ऊपर आ जाते हैं, ये देखें, ये डेल की है, ये देखें, ये आपको i5 2nd जनरेशन। ठीक है, 2.5 प्रोसेसर होगा, 4 GB रैम होगी, 320 GB हार्ड होगी। ठीक है, और इसकी बैटरी टाइमिंग के साथ प्राइस बता दें। बैटरी टाइमिंग? अच्छा, डुअल बैटरी लगी हुई इसमें? ये डुअल बैटरी नहीं है, ये 6L बैटरी है। अच्छा, सिंगल बैटरी लगी हुई है। ये आपको तकरीबन 2 घंटा आराम से बैकअप देगी। 1 घंटे की हमारी वारंटी होती है, आपको पहले फिर बता रहा हूँ। तो ये है कि आपको इंशाल्लाह अच्छा बैकअप भी देगी, और ये भी आपको पड़ेगा 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का जी। ठीक है व्यूअर्स, ये एक मरतबा हमदा भाई सही से दिखा था कि हमारे व्यूअर्स तस्वीर ले सकें। ये स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सअप नंबर पे इसके प्राइस वगैरह कंफर्म भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप विज़िट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं, ये देखें, ये HP की मशीन है, i3 1st जनरेशन। ठीक है, i3 1st जनरेशन HP की मशीन है, ये देखें। इसमें भी 4 GB 320 GB होगी। 4 GB 320 GB, 4 GB 320 GB i3 1st जनरेशन। ठीक है, और बैटरी के टाइमिंग के साथ और प्राइस? बैटरी की टाइमिंग इसकी भी होगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बैकअप होगा इसका आराम से। ठीक है, इसके प्राइस जो हैं वो आपको पड़ेंगे 16,000 रुपये। 15.5 इंच का डिस्प्ले, i5 2nd जनरेशन जी, 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड है, 1 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें, 1 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 17 इंच का डिस्प्ले में आ जाती है। ये देखें, ये देखें, नम कीबोर्ड के साथ है आपको, ये देखें जी। ये आपको पड़ेगी सर 1 GB ग्राफिक कार्ड बेसिकली इसमें लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर होती है जो पबजी वगैरह जी। हाँ, नॉर्मल जो होते ना, तो ये उनके लिए बेसिकली, काम वालों के लिए बेसिकली होती है ये। ये आपको पड़ेगी सर 24,000 रुपये की मशीन पड़ेगी, 17 इंच का डिस्प्ले। ये नॉर्मल साइज़ है, 14 इंच का डिस्प्ले होता है। लोग कहीं लोग आते हैं जो मतलब छोटे साइज़ में ज़्यादा बोलते हैं, कैरी करने में थोड़ा सा आसानी हो। ये HP पवेलियन है, ये i5 2nd जनरेशन है, 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड है, ग्लॉसी बॉडी कहते हैं इसे ना, ग्लॉसी बॉडी थोड़ी सी, ये देखें, ये ग्लॉसी बॉडी है। ये आपको 22,000 रुपये की पड़ेगी जी सर। ये i3 2nd जनरेशन है, इसमें भी 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड है, HP की मशीन है। ये आपको 20,000 रुपये की पड़ेगी, 15.5 इंच का डिस्प्ले। बैटरी टाइमिंग क्या होगी? बैटरी टाइमिंग जो बेसिकली है ये है कि इनकी तकरीबन जेन्युइन बैटरी जो होती है ना, उनका तकरीबन 2 घंटा 2.5 घंटा वो काम के ऊपर होता है कि क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, विदाउट इंटरनेट पे यूज़ हो रही है ये। ये आपको पड़ेगी सर 22,000 रुपये की। 22,000 जी। कौन सा जनरेशन है ये? i3 2nd जनरेशन, 2.3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर ये आ जाते हैं i5 2nd जनरेशन,
4 GB 320 GB 15.5 inch का डिस्प्ले, ये कंडीशन आपकी सारी ठीक है। ज़रा इसको रख के खोल के ज़रा निकाल सुन और इसके प्राइस बता दें। ये आपको पड़ेगी 22,000 रुपये की। 22,000 रुपये की जी ठीक है। हमारे पास के लिए डिस्काउंट, कुछ मॉडल होते हैं जिनमें पैसों का डिफरेंट होता है, हालांकि i5 सेकंड जनरेशन किसी में कम भी आए किसी में ज़्यादा भी आए ऐसे, क्योंकि मॉडल वाइज फ़र्क होता है और खूबसूरती भी होती है, लुक भी होता है, तो इसीलिए बेसिकली थोड़े से पैसों की भी थोड़ी सी अलग अलग वो होती है, बाकी चीज़ एक ही है। ये देखें, ये डेल वोस्ट्रो i5 सेकंड जनरेशन जी, 4 GB खूबसूरती ज़रा चेक करें, 4 GB 250 GB 4 GB 250 GB ये देखें, 4 GB 250 GB में। अच्छा, इसके GB वगैरह रैम वगैरह बड़ा भी सब बढ़ सकती है, जैसे कोई बेसिकली लोग आ जाते हैं 500 करना चाहे 500 के ऊपर। ये है कि अगर आप 250 GB के ऊपर जो 1500 का डिफरेंट आता है बेसिकली ना, हाँ जी बिल्कुल, 1500 रैम बढ़वानी है उसे, अगर SSD लगवानी है SSD भी अलग अलग उसमें आती है, GB में स्लो होता है, क्योंकि बेसिकली आजकल जो काम चल रहा है सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा चल रहा है, तो लोग आते हैं भाई SSD लगवाते हैं, SSD भी उनको मिल जाएंगे, 128 GB भी आती है, 128 GB अगर बेसिकली हम चाइना की जो लेते हैं ना, वो 3 साल की वारंटी होती है, उसमें वारंटी में ये होता है कि वो रिप्लेस वगैरह करा लेता है, तो वो तकरीबन अलग अलग मॉडल वाइज होती है, 3,000 से लेकर 3,500 तक की आती हैं। अगर मेरे पास जेन्युइन मिलेगी जो लैपटॉप में बिल्ड होकर बाहर से आती हैं, पर ये है कि लोग जो ज़्यादातर हमारे हैं जो आवाम के, तो वो बोलती हैं कि हमें वो चाहिए कि मतलब वारंटी वाली, वारंटी होती है बेसिकली उन पे जो पाकिस्तानी संभल होती हैं, पर जेन्युइन की स्पीड अलग होती है और जो चाइना की होती है उसकी अलग होती है। वारंटी जेन्युइन की वारंटी हमारी अपनी होती है कि जो हम 15 दिन की 20 दिन की देते हैं, पर वो SSD ख़राब नहीं होती। प्राइस i5 सेकंड जनरेशन ये भी आपको 22,000 रुपये का पड़ेगा जी। इसी मॉडल का डेल वोस्ट्रो का फर्स्ट जनरेशन है, ये i3 फर्स्ट जनरेशन है, ये देखें इसमें भी 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड है, 15 इंच का डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले जी, ये देखें। और इसके प्राइस ये आपको पड़ेगी 16,000 रुपये की जी, i3 फर्स्ट जनरेशन है ना। अब कई लोग होते हैं जिनका बजट नहीं बनता, जिनका बजट होता है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मशीन पर आते हैं, जिनके नॉर्मल आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है महंगाई इतनी हो गई, हालांकि पहले लैपटॉप इतने महंगे नहीं थे, ये जब से यही कितने का बेटा पहले यही लैपटॉप के मैं आपको बात बताया ना, तो तकरीबन 10,000 रुपये का लैपटॉप था, 10,000 का ये लैपटॉप ये था। अभी डॉलर भी तो बढ़ गया, डॉलर बढ़ा, आपकी जो ये टैक्स लगा इतना, ये पोर्ट है आपके, अभी कंटेनर वगैरह हमारे खुद बंद पड़े हुए फंसे हुए हैं, क्योंकि डॉलर नीचे आया तो बिल्कुल बिल्कुल डॉलर नीचे आएगा तो कम होगा, क्योंकि सारा बाहर का UK का मॉडल है, ये UK से सारा UK से काम है मेरा। ये फिजिक्सू की मशीन है, ये देखें, कुछ लोग होते हैं जो डेल HP को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जैसी बात है ये चलता है, पर बेसिकली फिजिक्सू तोशिबा एसर एसूस MSI बाई स्पीड, ये बाहर मुल्क के थोड़े से अच्छे ब्रांड हैं जो लोग मानते हैं, जो चलती वाली चीज़ होती है ना, इसे कहते हैं बाहर मुल्क में ज़्यादा चलते हैं वो, पाकिस्तान में डेल HP चलता है, अगर जिसको पता होता ना फिजिक्सू वो आके लेता है। इनके बैटरी बैकअप, एक ये बॉडी वाइज ये लुक पे खूबसूरत नहीं होते, पर ये चलने में जिसे कहते हैं ना, हम जिसे हम मिसाल ले लें गधा घोड़ा जिसे कहते हैं ना चलाया, ये वो मशीनें होती हैं, ये फिजिक्सू की मशीन है। ये देखें इनके बैटरी बैकअप बहुत अच्छे होते हैं इनसे, तो जो डेल HP है इनसे बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर ऐसी बात है ये पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ डेल HP ज़्यादा चलता है क्योंकि इनके पार्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, मिल इनके भी जाते हैं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इंसान को, पार्ट्स मिल जाते हैं, अगर जल्दी में चाहिए तो डेल HP का आपको मिल जाता है। अब ये देखें i5 सेकंड जनरेशन है, ये सही है, इसमें भी 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड है, 15.5 इंच का डिस्प्ले, इनका डिस्प्ले भी डेल HP से ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल पायदार मशीन होती है। देखें आप लुक वाइज नहीं, अब आपने डेल की HP की देखी ना, वो थोड़ी खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, पर इन चलने के लिए ना, हाँ आप ऑफिस में चले जाएँ, ऑफिस वाले मेरे पास आते हैं, ऑनलाइन वाले जो आते हैं वो ज़्यादातर जो आते हैं वो लेनोवो तोशिबा वो सबसे ज़्यादा लेते हैं हमसे, क्योंकि उनको पता है ये जो 12-12 घंटे 8-8 घंटे उनका चलाने का काम होता है उनका, तो वो चलाते हैं। ये देखें ना, ये फिजिक्सू है, अलग अलग फीचर, जो लाइटें होती है ना चार्जिंग की होती है, ऑन ऑफ की हैं ये सारी, ये इसका ऑन, ये इसका देखें ये बटन आ गया इसका, बिल्कुल अभी हम चार्ज लगाएंगे चार्जर का जी, स्पीकर वगैरह आ गए, ये रे स्पीकर अभी नॉर्मल डिस्प्ले देखें इनका। इसके प्राइस बता दें, i5 सेकंड जनरेशन
ये आपको पड़ेगी सर 21,000 रुपये की। 21,000 रुपये की बिल्कुल। अब इसमें देखें डिफरेंट कितना है, डेल एचपी के ज़्यादा पैसे होते हैं आपके सामने, हालांकि पायदार चीज़ नहीं है, पर वही बात है ना पाकिस्तान में ना वो चलता है ना, तो उसके लिए बिल भी हमें उतना होता है उसका। ये डेल की मशीन है, कोबरा बॉडी कहते हैं इसे। अच्छा जी। अब ये देखें, ये 15.5 इंच का डिस्प्ले है, ये देखें स्लिम बॉडी है, ये है i3 4th generation जी। 4GB रैम है, 320GB हार्ड है, 2.3 का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, विंडो 10 सपोर्टेबल होते हैं, आराम से चला लेते हैं, विंडोज 10 वगैरह लगी हुई है जिसमें आराम से चलाएं। 15.5 इंच का डिस्प्ले, इनका बैटरी टाइमिंग ये थोड़ा सा अच्छा होता है, ये तकरीबन आपको 2 घंटे आराम से दे देता है। ये आपको पड़ेगी 28 की जी। ठीक है, 28 की है। आगे बढ़ते हैं, i3 4th generation। ये देखें, ये डेल की मशीन है, i5 6th generation सही है। ये इसका मॉडल है e5470 जी, 8GB DDR4 128 M2 SSD। क्योंकि महंगे एक्सपेंसिव लैपटॉप है तो इनमें जो आजकल की फ्यूचर जो सपोर्ट करते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो SSD करती हैं। बिल्कुल, ये i5 6th generation है। लुक वाइज में ये देखें बिजनेस बॉडी कहते हैं इसमें, बिजनेस, ये बिजनेस है, स्लिम है, बैक लाइट कीबोर्ड के साथ है आपके। ये देखें, अच्छा हमजा भाई, चेकिंग वारंटी वगैरह आप देते हैं? चेकिंग वारंटी हम 15 दिन की वारंटी देते हैं। बिल्कुल, खाली दो चीज़ों की नहीं होती, एक जलने की नहीं होती और एक टूटने की नहीं होती, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नए में भी नहीं मिलती आपको। पर ये देखें, ये है आपको फिर ये मिल जाएंगी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खोल के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे ऊपर, ये स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और क्या प्राइस है इसके? ये आपको पड़ेगी 47 की। 47 जी। अच्छा, नेगोशिएट थोड़ा डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह हो जाता है। अब जिसके किसी का बजट नहीं बढ़ता वो बोलता है यार 4GB रैम कर दो। अच्छा। उसमें भी उनके कम हो जाते हैं। सही है। अब वो बोलता है कि SSD निकाल के हमें हार्ड ड्राइव लगा दो, उसमें भी पैसे कम हो जाते हैं। वो उनके ऊपर होता है, फिर बढ़वाने वाले इनसे ऊपर की भी बढ़वाते हैं हमसे। यही मशीन अगर आते हैं लोग जो चीज़ें लगवाते हैं वो 50,000 रुपये की लेते हैं। हाँ, ये फिंगर प्रिंट है, ये रहा इसका जी जी, ये करते हैं पर लोग ज़्यादा इनमें लगाते नहीं है। हाँ, चेक करने तो वो कर लेते हैं। अब ये जी देखें, HP में है, i5 6th generation, ये 640 G2 i5 6th generation 2.5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 4GB DDR4 है और 500GB हार्ड है ये i5 6th generation। ये देखें, भाई UK का स्टॉक है ये, आपको इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। और इसके बैटरी टाइमिंग के साथ टाइम, इनकी भी अगर आप बैटरी टाइमिंग देखेंगे इनकी भी तकरीबन 2 घंटे की हो जाती है, होती है वारंटी, 1 घंटे की होती है बेसिकली आप जितना महंगा लैपटॉप लें। क्योंकि ये कि ये 6-6 महीने जब पानी के सफ़र में आ रहे होते हैं जहाज़ में, तो इनकी बैटरियाँ बैठ जाती हैं। अच्छा। तो उनको चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है। प्राइस बता दें। बिल्कुल, ये भी आपको पड़ेगा 45,000 रुपये का पड़ेगा जी। अब देख लेना उसमें कितने कितना फ़र्क आया, क्योंकि इसमें देखें 4GB रैम है और 500GB हार्ड है नॉर्मल। अब उसमें देखें SSD थी और 8GB थी, इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव में आ गया था। अब ये भी हालांकि 6th generation बोर्ड एक ही इंटेल, पर स्पीड का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं 840G3 जी। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केटों में ना, लोग आते हैं, लोग पूछते हैं, चलती हैं आज अब के मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है मशीनें, चलने वाली मशीनें, चलने वाली बिल्कुल, लोग आते हैं पूछते हैं इनका मॉडल पूछते हैं। ये भी DDR4 में i5 6th generation है, 8GB रैम है, 500GB हार्ड है इसमें। अब वो आपके ऊपर है, आप इसमें M2 लगवाएँ या हार्ड लगवाएँ। अभी बेसिकली इसमें 8GB DDR4 है और 500GB हार्ड है। ये आपको पड़ेगा सर बिल्कुल, आपके उससे भी इंशाल्लाह गुंजाइश कर लेंगे, वैसे इसकी जो प्राइस है वो 48 है जी। वो रैम के ऊपर बात आ जाएगी, अगर आप रैम कम कराएंगे तो और कम हो जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। इनमें बेसिकली टच भी आते हैं, मेरे पास टच भी थी वो दरअसल ख़त्म हो गई, इसमें टच भी आती है विदाउट टच है। आ जाते हैं i7 6th generation, ये डेल की मशीन है, e5480 जी, i7 6th generation 2.8 का प्रोसेसर है, 8GB रैम है DDR4, 500GB हार्ड लगी हुई है इसमें। ठीक है, 14 इंच का डिस्प्ले, ये देखें i7 6th generation। और प्राइस बता दें।
ये आपको बेसिकली बिल्कुल जो एक रेट है उसके हम मार्केट में जो हिसाब है वो तकरीबन आपको ये मिल जाएगा 60,000 रुपये का। 60,000 जी डिस्काउंट वगैरह कर ले, डिस्काउंट इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे आपके, उससे ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें HP की मशीन है, 640G4 i5 8 जनरेशन है। ये बेसिकली टच एंड टाइप है। अच्छा, ये टच भी है और टाइप भी है। ठीक है, ये i5 8 जनरेशन की मशीन है, फिंगरप्रिंट भी है, फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ये देखें अभी इसमें बेसिकली लगी हुई है 8 GB रैम मिलेगी आपको और 256 SSD M2। अच्छा जी, और प्राइस क्या? इसके आपको पड़ेंगे सर 68 की मशीन है। इंशाल्लाह आपका कोई कस्टमर आएगा तो हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। 68 की ये मशीन है। ये देखिए ये डेल की मशीन है, ये देखें ये E7 480 डेल की मशीन है। i7 7 जनरेशन है, 2.9 का प्रोसेसर है, 8 GB DDR4 लगी हुई है इसमें और 256 M2 है। ये भी बेसिकली टच एंड टाइप है, ये देख रहे हैं ये टच एंड टाइप है, i7 7 जनरेशन है। इसी आपको पड़ेगा 65 की जी, i7 7 जनरेशन। यार डील इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, ये नास प्लाजा है हमारा, गली नंबर 4 है नास प्लाजा, आप आएंगे सदर कराची नास प्लाजा, ये आपको गली नंबर 4 है, 157G157 अलहादी लैपटॉप, अलहादी लैपटॉप के नाम से। मेरा नाम हमजा है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ बेसिकली 03010312175। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर और भी लैपटॉप आएंगे तो इंशाल्लाह आते रहते हैं, बहुत से लैपटॉप हैं जैसे भी हो, बिल्कुल बिल्कुल अभी तो बहुत से लैपटॉप बाकी हैं, इंशाल्लाह रह जाते हैं, ऐसी बात है इतने सारे लैपटॉप हैं, वैरायटी आपको हर चीज़ की मिल जाएगी। ठीक है।